दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्याल है कि 80 की दहाई में वहीद मुराद साहब का जवाल शुरू हो गया था और वो फिल्म बीनों के बदलते चॉइस के मुताबिक खुद को बदल न सके, इसलिए नाकाम रहे। लेकिन हकीकत यह है कि दरअसल जवाल पाकिस्तानी फिल्म पर आया था, वहीद मुराद पर नहीं। वहीद मुराद अपनी मौत के तवील अरसे बाद आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना उसकी जिंदगी में उसे लोग पसंद करते थे। पाकिस्तानी फिल्मी सनत ने उस जैसा खूबसूरत, तालीम याफ्ता और हर फन मौला फनकार कोई दूसरा पैदा नहीं किया। एक अदाकार की हैसियत से वहीद मुराद को आज भी पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार तस्लीम किया जाता है। एक फिल्मसाज की हैसियत से उसकी 11 बेहतरीन फिल्में और एक डायरेक्टर की हैसियत से उसकी सिल्वर जुबली हेट इशारा आज भी याद रखी जाती है। एक राइटर की हैसियत से वहीद मुराद साहब की 4 बेहतरीन फिल्में जिनमें पाकिस्तान की पहली प्लैटिनियम जुबली हेट अरमान भी शामिल है। इस वीडियो में हम वहीद मुराद साहब के 5 यादगार किरदार आपके सामने पेश करेंगे जो आज भी याद रखे जाते हैं, और ये वो किरदार है जिन्हें वहीद मुराद साहब ने अपनी बेहतरीन किरदार निगारी से अमर बना दिया था। नंबर 1, सबसे पहला किरदार 1966 की फिल्म अरमान का है जिसके हिदायतकार परवेज मलिक, नगमा निगार मसरूर अनवर और मौसीकार सुहेल रैना थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर वहीद मुराद साहब थे और इस फिल्म को पाकिस्तान की पहली प्लैटिनियम जुबली हेट फिल्म का एजाज़ हासिल है। इस फिल्म में वहीद मुराद का किरदार एक ऐसे मालदार नौजवान का था जिसे एक ऐसी लड़की से इश्क हो जाता है जिसने बगैर शादी के माँ समझा जाता है और उसके पास एक बच्चा भी होता है, और ये सब जानकर वहीद मुराद इंतकामन उसकी बहन से शादी कर लेता है। लेकिन आखिर में पता चल जाता है कि दरअसल ये बच्चा उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का है और उसने बहन की इज्जत बचाने की खातिर खुद को बदनाम कर लिया था। अरमान एक यादगार फिल्म थी और इसके गाने इंतहाई पसंद किए गए थे। ये एक रोमानवी म्यूजिकल हिट फिल्म थी और इस फिल्म में गानों की पिक्चराइजेशन से वहीद मुराद साहब ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था और उसे चॉकलेटी हीरो का खिताब मिला था। दूसरा यादगार किरदार फिल्म जब जब पुल किले का है जो 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में पाकिस्तान के तीनों सुपरस्टार्स मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद ने एक साथ काम किया था। यह हिदायतकार इकबाल अख्तर की यादगार फिल्म थी जिसमें वहीद मुराद साहब ने एक लोफर और गैम्बलर का किरदार इंतहाई खूबसूरती से अदा किया था और अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म के एक एक सीन में मोहम्मद अली और नदीम पर हावी नजर आए। फिल्म का गाना जो वहीद मुराद साहब पर पिक्चराइज हुआ था, क्या पता जिंदगी का, आज भी यादगार समझा जाता है। जब जब पुल किले ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई थी। वहीद मुराद साहब का तीसरा यादगार किरदार फिल्म शबाना का था जो वहीद मुराद साहब की अवलिन डायमंड जुबली फिल्म थी। हिदायतकार नजर शबाब की एक कामयाब तरीन फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बाबरा शरीफ, शाहिद, नन्ना और मसूद अख्तर ने भी बेहतरीन अदाकारी की थी। फिल्म का टाइटल रोल बाबरा शरीफ ने अदा किया था और अदाकार शाहिद ने मनफी रोल अदा किया था जो लड़की को अपने इश्क के जाल में फंसा कर उन्हें धोखा देता है। ये किरदार शाहिद की जाती जिंदगी से मिलता जुलता था। वहीद मुराद का किरदार शाहिद के छोटे भाई का था। इस फिल्म में वहीद मुराद की अदाकारी और गानों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कमाल की थी और फिल्म में मेडिएशन का गाना बेवफा कौन है कौन हर जाई है पर वहीद मुराद साहब ने बेहतरीन अदाकारी की थी। इसके बावजूद इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड शाहिद को दिया गया था। वहीद मुराद साहब का चौथा यादगार किरदार फिल्म दिल ने प्यार याद किया का था जो 1981 में रिलीज हुई और इस फिल्म के हिदायतकार इकबाल अख्तर थे। इस फिल्म में वहीद मुराद साहब ने शाहिद और बाबरा शरीफ के साथ काम किया था। ये एक बेहतरीन फिल्म थी और इस फिल्म में वहीद मुराद साहब ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया था और पूरी फिल्म में वहीद मुराद साहब शाहिद पर हावी नजर आए। खासकर फिल्म में गानों की अक्सबंदी पर वहीद की परफॉर्मेंस बेमिसाल थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी और जो लोग ये समझते कि वहीद मुराद साहब 80 की दहाई में नाकाम थे, उन्हें ये फिल्म दिल ने प्यार याद किया जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म के दो गाने हर जाई मन अपना और ए मेरे दोस्त हसीन रात मुबारक हो तुझे में वहीद मुराद साहब की अदाकारी ने साबित किया कि गानों की पिक्चराइजेशन का किंग सिर्फ वहीद मुराद है। दोस्तों, वहीद मुराद साहब का पांचवा यादगार किरदार उनकी जाती और आखिरी फिल्म हीरो का है जो वहीद मुराद साहब की वफात के 2 साल बाद 1985 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से वहीद मुराद साहब को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी।
इस फिल्म के राइटर और फिल्म साज भी वहीद मुराद साहब खुद थे और वो इस फिल्म को एक शाहकार फिल्म बनाकर एक नए अंदाज से वापस आना चाहते थे, लेकिन अफसोस उनकी ज़िंदगी ने वफा न की और वो इस फिल्म के रिलीज से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुए। इस फिल्म में वहीद मुराद साहब ने डबल रोल प्ले किया था, एक चालाक मुजरिम और दूसरा मासूम देहाती। फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ और मुमताज़ थी। फिल्म में वहीद मुराद साहब के किरदार बॉलीवुड ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार साहब की क्लासिक फिल्म राम और शाम से मिलते जुलते थे। इसके बावजूद वहीद मुराद साहब ने इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये साल 1985 की बेहतरीन फिल्म करार दी गई और लाहौर में सिनेमा पर इतना रश था कि सिनेमा की गैलरी गिरने का खदशा था और लोगों ने फर्श पर बैठकर यह फिल्म देखी थी। इस फिल्म की कामयाबी से वहीद मुराद साहब की यह पेशनगोई बिल्कुल सच साबित हुई कि हीरो फिल्म साल की बेहतरीन फिल्म साबित होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।